Chapter 10. During the next decade, Galileo doctrine spread among the common people. Ballad singers and pamphleteers everywhere take up the new idea. The Carnival of 1632, many Italian cities choose astronomy as the theme of their guild carnival processions. Okay, अब इस वक्त जो है बैलेड अंदर आता है, ठीक है ना, बैलेड सिंगर ही ऑनर ड्रम्ड, ठीक, ओके, ड्रमिंग हो रही है वहाँ पे, चीज़ें ड्रम बज रहे हैं, ऑनर्ड इनहैबिटेंट्स, मोहतरम लोगों, लेडीज एंड जेंटलमैन, औरतों और आदमियों, टू इंट्रोड्यूस द ग्रेट कार्निवल प्रोसेसेशन ऑफ गिल्ड, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द लेटेस्ट सॉन्ग. जैसे कि जो है ये कार्निवल स्टार्ट हो रहा है और इससे पहले जो है, सबसे पहले जो है गाना गाया जाता है, तो वो जो है शुरू हो रहा है फ्लोरेंस, वो गाना फ्लोरेंस का है, विच इज़ नाउ बीइंग संग ऑल ओवर नॉर्थ इटली, जो कि सारे के शुमाली इटली में जो है गाया जा रहा है, एंड हैज़ बीन इम्पोर्टेड बाय अस एट वास्ट एक्सपेंसेस, और ये हम तक जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है पहुंच रहा है. इट इज़ कॉल्ड, और ये कहा जाता है, ये हॉरिबल डॉक्ट्राइन एंड ओपिनियन ऑफ मैसर गैलीलियो गैलीली, ये कहा जाता है कि मिस्टर गैलीलियो गैलीली ने जो डॉक्ट्राइन की है, हॉरिबल डॉक्ट्राइन की है, या जो भी रिसर्च की है टू द कोर्ट और अ फॉरेस्टी ऑफ ये फ्यूचर, और ये जो है हमारे जो है फ्यूचर को बताने के लिए की गई है. सो ही सिंग्स, व्हेन द अलमाइटी मेड द यूनिवर्स, जब खुदा ने ये दुनिया बनाई थी. अब ये गाना यहाँ से शुरू हो गया है, जो गाना गाया जा रहा है तो वो उसके बारे में कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में वो खड़ा है और उसकी प्रोसेसेशन हो रही है, और वहाँ पर जो है बताया जा रहा है, एक साइड का ट्रूथ है और दूसरी साइड पर मिस्टर गैलीलियो गैलीली अपने आप को जो है वहाँ पर साबित करेंगे, ठीक है, और प्रोसेस चल रहा है. तो वो कह रहे हैं कि व्हेन द अलमाइटी मेड द यूनिवर्स, जब खुदा ने ये सारी कायनात बनाई थी, ही मेड द अर्थ, उसने ज़मीन बनाई थी, एंड देन ही मेड द सन, फिर उसने सूरज बनाया था, देन राउंड द अर्थ ही मेड द सन टू टर्न, उसने कहा था या ये फॉरबेड कर दिया था कि सूरज जो है वो ज़मीन के गिर चक्कर लगाएगा. दैट्स इन द बाइबल, ये बाइबल में लिखा हुआ है, जिनीसिस चैप्टर वन जिनीसिस जो है उसमें लिखा हुआ है. एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑल क्रिएचर हेयर बिलो, तो उस वक्त से ले के अब तक जितनी भी क्रिएचर हमारी नीचे है, वेर वर्ड इन ओबीडियंट सर्कल्स मीन टू गो, ये सारी जो हैं एक ओबीडियंटली एक चक्कर लगा रही हैं इसके इर्द गिर्द. सो द सर्कल वर ऑल वूवन, तो आर जो सर्कल था वो सारा जो है बुना हुआ है, अराउंड द ग्रेटर वेंट द स्मॉलर, के सारे बड़े जो हैं छोटे के गिर्द घूमते हैं, अराउंड द पेस सेटर द क्रॉलर, सारे बड़े से लेके छोटे जो क्रॉल करने वाले लोग हैं वो, ऑन अर्थ और ज़मीन पर, एज इट इज़ इन द हेवन, और बिल्कुल इसी तरह जो है स्काई पर भी, अराउंड द पोप द कार्डिनल्स, ठीक है ना, अराउंड पोप के इर्द गिर्द सारे मजहबी लोग, अराउंड द कार्डिनल द बिशॉप्स, सारे कार्डिनल्स के इर्द गिर्द सारे बिशॉप्स जो हैं घूम रहे हैं, अराउंड द बिशॉप्स द सेक्रेटरीज, और सारे बिशॉप के इर्द गिर्द जो है सारे सेक्रेटरीज घूम रहे हैं, अराउंड द सेक्रेटरीज द ओल्डर एल्डरमैन, और सारे सेक्रेटरीज के इर्द गिर्द एल्डरमैन घूम रहे हैं, और एल्डरमैन के इर्द गिर्द क्राफ्टमैन घूम रहा है, अराउंड द क्राफ्टमैन द सर्वेंट, और क्राफ्टमैन के इर्द गिर्द सारे सर्वेंट घूम रहे हैं, अराउंड द सर्वेंट द डॉग्स, और सर्वेंट के इर्द गिर्द डॉग्स एंड द चिकन एंड द बैगर्स, और चिकन और बैगर्स जो हैं उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं. दैट गुड पीपल इज़ द ग्रेट ऑर्डर ऑफ थिंग, कि अच्छे लोग जो हैं ग्रेट ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, और ये जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है ऑर्डर करते हैं चीज़ों को, ऑर्डिनम एज अ थियोलॉजी इन कॉल इट, ये एक प्रॉपर ऑर्डर होता है जिसको सारे मजहबी लोग कहते हैं, रेगुला एटर्निस द रूल ऑफ रूल्स, ये साथ ही ट्रांसलेशन करते जा रहे हैं इटालियन लैंग्वेज की, बट वट डियर पीपल हैपन, पर यहाँ पे क्या हो गया है प्यारे लोगों, उसने फिर गाना शुरू कर दिया, अब स्टूड द लर्न गैलीली, अब लर्न गैलीली यानी पढ़ा लिखा जो या साइंटिस्ट जो गैलीली है, अब वो खड़ा हुआ था.
था वहाँ पे. चेक्ड अवे द बाइबल, व्हिप्ड आउट हिज टेलीस्कोप, टुक अ क्विक लुक एट द यूनिवर्स. उसने कहा ये जो है जिसने चक्ड कर दिया है या फेंक दिया बाइबल को, और विप डिजिटल को और अपने टेलीस्कोप को जो है उसने पकड़ लिया है मजबूती से, और ये जो है दुनिया देखता है. एंड टोल्ड द सन स्टॉप देयर, और वो कहता है कि सूरज यहीं पे रुक जाओ. फ्रॉम नाउ द होल क्रिएटोरी, और यहाँ से ही सारी की सारी क्रिएशन होती है. विल टर्न एज आई थिंक फेयर, यहीं से ही जो है हर चीज़ जो है मुड़ जाती है. और आई थिंक फेयर, और मैं बिल्कुल सही तरीके से कहूँगा, द बॉस स्टार्ट्स टर्निंग फ्रॉम टुडे, और आज से सारे बॉस जो हैं वो मुड़ गए हैं. बॉस स्टार्स टर्निंग फ्रॉम टुडे, तो आज से द बॉस स्टार्ट्स टर्निंग फ्रॉम टुडे, तो आज से सारे जो बड़े लोग हैं वो घूमना शुरू हो गए हैं. हिज सर्वेंट स्टैंड एंड स्टेयर, उसके नौकर जो है खड़े होते हैं और वो उसको घूरते हैं. नाउ दैट्स नो जोक, ये एक मजाक नहीं है मेरे दोस्तों. इट्स नो मैटर स्मॉल, इसमें कोई छोटी बात नहीं है. ईच डे आवर सर्वेंट इंसोलेंस इंक्रीज, हर दिन हमारे जो नौकर हैं उनकी इंसोलेंस ज़्यादा हो जाती है. बट वन थिंग्स ट्रू, पर एक सच्चाई है, प्लेयर आर फ्यू, के खुशियाँ बहुत कम है. आई आस्क यू ऑल, मैं तुम सब लोगों से पूछता हूँ, हु वुडंट लाइक टू से, जो कुछ नहीं कह नहीं सकते, एंड डू जस्ट एज ही प्लीज, और वही करते हैं जो उनको खुशी मिलती है. ही सिंग्स, अब वो गाता है क्योंकि अब वो उसकी बारी है. द सर्फ्स स्टेज सिटिंग ऑन हिज आर्स, उसने कहा सारी की सारी चीज़ें जो हैं अपनी हॉन्चीज पर, अपनी जगहों पर खड़ी हैं. दिस टर्निंग स्टर्ड हिज हेड, जिसने मोड़ना है वो अपना सर मोड़ लेता है. द एल्डर बॉय वोंट सर्व द मास, जो कि मोड़ने वाला आदमी है वो कभी भी जो है वो चीज़ों को जो है नहीं मोड़ेगा. द एप्रीहेंट लाइज इन बेड, कि सारी सच्चाई जो है बिस्तर पे पड़ी है. नो 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 माई फ्रेंड, द बाइबल इज़ नो मैटर स्मॉल, नहीं मेरे दोस्तों, बाइबल एक छोटी चीज़ नहीं है. वंस लेट देम ऑफ द लीड इन डीड ऑल लॉयलिटी सीज़, उसने कहा ये सारी चीज़ जो लीड कर रही है इसकी वजह से लॉयलिटी हमारी जो है यहाँ पे रुक रही है. फॉर वन थिंग दैट्स ट्रू, जो कि एक चीज़ सच है, प्लेयर आर फ्यू, के खुशियाँ बहुत कम है. आई आस्क यू ऑल, मैं तुम सब लोगों से पूछता हूँ, हु वुडंट लाइक टू से, जो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, डू जस्ट एज ही प्लीज, और ऐसा ही करते हैं जैसा कि उन्हें प्लीजिंग मिलती है या खुशी होती है. गुड पीपल ऑल, सारे अच्छे लोग, kindly take a glance at the future as foretold by the learned Dr. Galileo Galilei. इस चीज़ पर जो है एक नज़र दोहराएँ कि साइंटिस्ट या पढ़ा लिखा जो डॉक्टर Galileo Galilei है वो क्या कह रहा है. टू हाउस वाइफ स्टैंडिंग बाइंग फिश, दो औरतें, घरेलू औरतें जो हैं वो मछली खरीद रही हैं. डोंट लाइक द फिश, वो पसंद नहीं करती हैं फिश को. दे आर शोन, जो उन्हें दिखाई गई है. द फिश वाइफ टेक्स अ हंक ऑफ ब्रेड, जो फिश वाइफ है वो एक ब्रेड का टुकड़ा लाती है. एंड ईट्स देम अप ऑल इन ऑल, वो उसको खड़े होकर खा लेती है. द मैसन क्लियर्स द बिल्डिंग साइट, और सारे मैसन्स या जो भी वर्कर्स हैं उन्होंने बिल्डिंग को क्लियर अप कर दिया है. एंड हॉल्स द बिल्डर स्टोन, और उन्होंने सारे के सारे स्टोन्स भी इकट्ठे कर लिए हैं. एंड हॉल एंड व्हेन द हाउस इज फिनिश्ड क्वाइट, और जैसे ही घर ख़त्म होने के नज़दीक है, ही कीप्स इट एज हीज ओन, और वो उसको फिर अपने लिए रख लेता है. कैन सच थिंग्स बी माई फ्रेंड, क्या ऐसा हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों. इट इज़ नो मैटर स्मॉल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चाहे वो छोटी हो. फॉर इंडिपेंडेंट स्पिरिट स्प्रेड लाइक फॉल डिजीज, एक फ्री आज़ादाना स्पिरिट जो होती है वो एक बीमारियों की तरह फैलती है. यहाँ से ये जो है एक आपने जो है इस जुमले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिलीजन, कि उन्होंने ये कहा था कि फॉर इंडिपेंडेंट स्पिरिट स्प्रेड लाइक अ फोल डिजीज, फाउल डिजीज के एक जो स्पिरिट है, जो फ्री स्पिरिट होती है, वो एक गंदी डिजीज़ की तरह फैलती है. यानी रिलीजन इज़ कंजर्वेटिव, इट डजेंट लाइक एनी टाइप ऑफ यानी डिस्कशन इन साइड. ओके, दे डोंट लाइक अ फ्री डिस्कशंस. ओके, बट वन थिंग ट्रू, पर एक चीज़ अच्छी है. प्लेयर आर फ्यू, आई आस्क यू आर, who wouldn't like to say and do just as he please.
द टेनेंट गिव्स हिज लैंड लॉर्ड हेल। अब जो जालिमों को जो है सारे के सारे जो हैं दोजख के की ज़मीनें दे दी गई हैं, नॉट केयरिंग इन लीस्ट, यानी नॉट केयरिंग इन लीस्ट, जो बिल्कुल भी जो है ये ख्याल नहीं करे। हिज वाइफ नाउ फीड्स हर चिल्ड्रन वेल, कि उसकी बीवी जो है वो उसके बच्चों को जो है अच्छे तरीके से खाना दे रही है। ऑन द मिल्क शी फेड द प्रीस्ट, और दूध जिस पे जो है वो एक प्रीस्ट को जो है बड़ा करती है। नो 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 माई फ्रेंड, द बाइबल इज़ नो मैटर स्मॉल, वंस लेट देम ऑफ लीड इन डीड ऑल लॉयलिटी सीज, बट वन थिंग्स ट्रू, प्लेयर आर फ्यू, आई आस्क यू ऑल हु वुडंट लाइक टू से एंड डू जस्ट एज ही प्लीजेस। नाउ अब सिंगर्स की वाइफ बोलती है, आई लेटली वेंट बिट टू फार, मैं जो हूँ शायद थोड़ी आगे चली गई हूँ, एंड टोल्ड माई हस्बैंड आई वुड सी, कि मैं देखूँगी अपने हस्बैंड को कि वो क्या कर सकता है, इफ़ आई कुड गेट सम अदर फिक्स स्टार, कि वो अपना जो है कोई और फिक्स स्टार ला सकता है टू डू वट ही डज फॉर मी, कि वो टू डू ये करने के लिए वट ही डज फॉर मी, कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है। बैलेट सिंगर, नो 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 स्टॉप ग्लेलियो स्टॉप, नहीं 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 ग्लेलियो यहीं पर रुक जाओ। वंस टेक अ मैड डॉग मजल ऑफ इट स्प्रेड डिजीज, उसने कहा जब एक जो पागल कुत्ता है वो बाहर जब घूमता है तो वो बीमारियाँ फैलाता है, ठीक है ना। ये उसने जो है ये भी हमने कॉन्फ्लिक्ट में लिखना है कि कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन का, कि रिलीजन ने जो है पढ़े लिखे लोगों को जो है एक एक कुत्ते की मिसाल दी है, एक पागल कुत्ते की जो अराउंड करता है, उसने कहा है वो बाहर घूमता फिरता है तो फिर वो बीमारियां फैलाता है। पीपल मस्ट कीप देयर प्लेस इज सम डाउन एंड सम ऑन टॉप, सब लोगों को अपनी जगह पर रखना चाहिए, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, ठीक है। ये सारी कॉन्फ्लिक्ट में बातें लिखने वाली हैं जब हम प्रूव करेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन and this one science, so we can write it, although it's nice for once to do just as one please, par phir bhi ye sahi hai jis logon ke ko jo acha lagta hai wo kare, both, ab ye dono ne gana shuru kar diye, good people who have trouble here below, acche log jinko ab mushkilat hain in serving cruel lords and gentle diseases, jinko jo hai mushkilat hain ke ek hamara lord jo hai wo cruel tha और हमारा जेंटल जो डिजीज है हु बिड यू टर्न द अदर चीक, जस्ट सोच उसने मना किया है कि अपना दूसरा चीक जो है मोड़ दो, दे आर बेटर प्लेस टू स्ट्राइक द सेकंड बिलो, तो वो जो है एक अच्छी जगह पे हैं जहाँ पर वो दूसरा स्ट्राइक कर रहा है। ओबीडियंस इज इंट गोइंग टू क्योर योर, जो ओबीडियंस है वो अब आपको जो है किसी भी आपके जख्मों की ताब नहीं लाने वाली। सो ईच ऑफ यू वेक अप, अब तुम सब जो है खड़े हो जो है एंड डू जस्ट एज ही प्लीज, तो ऐसा ही करो जो तुम लोग को खुशी मिलती है। सो यहाँ पर वो सारे मिलकर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक किस्म का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि अब लोग जो है कुछ भी करने लग जाएं जो उनको अच्छा लगता है, तो चलो 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 हम सारी चीज़ें छोड़ के जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो दिल करता है वो करें। अब बैलेट सिंगर बोला है, ऑनर्ड इनहेबिटेंट यू विल सी नाउ ग्लेलियो ग्लेली अमेजिंग डिस्कवरी द अर्थ सर्कलिंग अराउंड द सन, अब तुम देखोगे कि ग्लेलियो ग्लेली ने क्या अमेजिंग डिस्कवरी की है कि सूरज जो है वो घूमता है ज़मीन के घर। डीप वॉइस कॉल्स द प्रोसेशन, अब एक डीप वॉइस आती है और कॉल द प्रोसेशन, उन्होंने कहा एंड टू मैन इन ड्रैग्स पुलिंग अ लिटिल कार्ट, उन्होंने कहा दो आदमी जो है अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए आगे आते हैं, कोर्ट आगे की तरफ जो है कार्ट को बढ़ाती हैं या अपनी जो भी उनके आगे ट्रॉली है जो भी उसको आगे करते हैं। ऑन एन अब्सर्ड थ्रोन सिट्स द ग्रैंड ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस ए फिगर विद अ कार्डबोर्ड क्रोन ड्रेस्ड इन द सैकिंग एंड लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप, उन्होंने कहा एक आदमी जो है उनके आगे बैठा है कार्डबोर्ड के जरिए जो है टेलीस्कोप में झांक रहा है। अबव हिज थ्रोन ए साइन सेइंग लुकिंग फॉर ट्रबल, उसके जो जो उसने ताज पहना हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मुश्किलात को, लुकिंग फॉर ट्रबल यानी मुश्किलात को देखने वाला। देन फोर मास्क मैन मार्च इन कैरिंग अ बिग ट्रैपुलन, उसने कहा फिर चार लोग मास्क पहने हुए आगे आते हैं जिन्होंने बड़ा सा ट्रैपुलन उठाया हुआ है। दे स्टॉप, वो रुक जाते हैं, टॉस अ पपेट रिप्रेजेंटिंग अ कार्डिनल इन द एयर, वो एक पपेट पकड़ते हैं और उसको उठा के जो हवा में घुमा देते हैं और कार्डिनल उसका नाम देते हैं, यानी ये एक मजहबी आदमी है। ए ड्वार्फ हैज़ टेकन अ पोजिशन
टू वन साइड विद अ साइन सेइंग, क्योंकि अब ये ड्रामा रिप्रेजेंट हो रहा है स्टेज पे, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक आदमी आया, उसने ऊपर फेंक दिया, साइड पे जो है एक आदमी जो है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो ट्रबल को लुक कर रहा है, वो टेलीस्कोप से देख रहा है, और यहाँ पे जो है उसको ये बात कही जा रही है, ठीक है। द न्यू एज, अब नई नई उम्र आई है, ये नया दौर आया है। इन द क्राउड बैगर गेट्स अप इन हिज क्रचेस, अब जो है सारे बैगर जो हैं अपनी जो हैं पॉकेटें खोल लेंगे, एंड डांसेस, और फिर वो डांस करेंगे, स्टैम्पिंग द ग्राउंड टिल द क्रैश स्टोर, और ये इस पर इतना कूदेंगे कि जब तक कि ज़मीन जो है क्रैश हो जाए। एंटर एंड ओवर लाइफ साइज पपेट, फिर एक बहुत बड़ा सारा जो है पपेट आता है, गिलेलियो गिलेली बोइंग टू द ऑडियंस, वो गिलेलियो गिलेली जो है वो करता है ऑडियंस की, बिफोर इट गोज अ बॉय कैरिंग अ जाइगेंटिक बाइबल ओपन, फिर एक आदमी बच्चा आता है जिसने बड़ी सारी बाइबल उठाई होती है, विच क्रॉस्ड आउट पेजेस, जिसके जो हैं पेजेस जो हैं कुछ वो मुड़े हुए हैं या खुले हुए हैं। बैलेट सिंगर गिलेलियो गिलेली द बाइबल बस्टर, ठीक है, उसने कहा गिलेलियो गिलेली जिसने के बाइबल को बस्ट करके रख दिया है, या बस्ट ही कर दिया है, ठीक है ना, या ब्रेक करके रख दिया है। ह्यूज लाफ्टर कम अमोंग द क्राउड, फिर एक बड़ा सारी हंसी जो है वहाँ से क्राउड से आती है।